रेलू डालियां की बात करें तो शो में आ गया है सबसे बड़ा ट्विस्ट। आपको बता दें कि शादी के इस मौके पर अब एक ऐसा बड़ा ट्विस्ट आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको मालूम है कि नाज और नेहमत की शादी एक ही दिन हो रही है, दोनों दुल्हन बनकर तैयार है, जहाँ पर मल्लिका जो है वो अपने भाई के साथ बहुत खुश नज़र आ रही है और साथ ही साथ इमोशनल भी नज़र आ रही है। जहाँ एकम जो है अपनी बहन को एक प्यारा सा गिफ्ट देता है, तो वहीं मल्लिका जो है वो नेहमत को फ़ोन करती है और कहती है कि यार मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ, दुल्हन तो बन गई हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या तुम तो मेरे पास आ सकती है? नेहमत कहती है कि बिल्कुल मैं अभी आती हूँ तुम्हारे पास। वो अपने घर में परमिशन लेकर नाज को बोल कर, नाज भी दुल्हन बनी हुई है, उसे कहकर मैं कुछ देर में आ रही हूँ। मल्लिका जो है वो बहुत ही अकेला फील कर रही है और फिर उसके बाद नेहमत जो है वहाँ से चली जाती है मल्लिका के पास। मल्लिका के घर जाती है जहाँ पर एकम से उसकी मुलाकात होती है, जहाँ एकम जो है वो नेहमत से मन ही मन ये कह रहा है कि बस मल्लिका की शादी हो जाएगी नेहमत, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें सॉरी बोलूँगा और फिर हमारे बीच में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये सब बातें जो है एकम नेहमत को देख कर सोच रहा है। तो वहीं मल्लिका जो है वो अपने भाई से एक वादा ली है कि उसकी शादी के बाद मल्लिका जाएगी नेहमत के घर हल्दी लेकर, ताकि वो शादी जोड़ सके नेहमत और एकम की। ये बात मल्लिका ने एकम से कही कि भाई आपको याद है ना मैंने ये बात कही थी, आप शादी करोगे ना नेहमत से? एकम कहता है कि बिल्कुल। अब इधर ये दिखाया जाता है कि अब नेहमत तो मल्लिका के पास पहुंच गई हैं, दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर बहुत खुश है, लेकिन इसके साथ ही साथ मल्लिका को वो लेटर मिल जाता है जो नाज ने भेजी है। उसमें ये लिखा हुआ होता है कि अगर तुम्हें अद्वित की सच्चाई जाननी है तो तुम्हें अभी के अभी तालाब के पीछे आना होगा। अब मल्लिका ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर वो कहती है नेहमत से कि नेहमत मुझे अभी जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं जा रही हूँ, तुम मेरा लहंगा पहनो, ज्वेलरी पहनो और घूंघट करके बैठ जाओ, कोई भी आए तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होता है कि भाई अब मल्लिका तो गई, मल्लिका के जाने के बाद मल्लिका जो है वहाँ पर वो वीडियो देखने वाली है। देखना दिलचस्प है कि क्या होगा अब शो में आगे।